good morning students welcome back to physical education classroom once again today i will start chapter 3 respiratory system so at first you will know what is respiration respiration is a physical process by which living organism taking oxygen from surrounding medium and release carbon dioxide into the atmosphere next the main pathway of respiratory system so those organs actually help into respiration process these are the nose pharynx larynx trachea bronchi bronchioles alveolar ducts and alveoli first one is nose and mouth the nose has many functions it warms cleanses and more humidifies inhaler नॉर्मली जो ऑक्सीजन रिच एयर हम लोग इनटेक करते हैं उसको ह्यूमिडिफाइड्स करता है नोज आई मीन मॉइस्चर उसके साथ ऐड कर देता है डिटेक्ट्स ऑर्डर स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है एंड सर्व एज ए रिजोनेटिंग चेम्बर टू मॉडिफाई द बॉयज द एक्सटर्नल प्रो नोज इज सपोर्टेड बाई अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज तो हम लोगों को बाहर की तरफ जो नाक दिखते हैं दैट इज सपोर्टेड बाय बोन एंड कार्टिलेज एंड द इंटीरियर हाफ इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज ऑनली सो अंदर वाले नाक का जो पोर्शन है इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज द इनसाइड डिलेटेड चेम्बर हैज हेयर नाक के अंदर हम लोगों का हेयर रूट है दैट ब्लॉक्स द इनहलेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स जो नॉर्मली एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स हम लोग के नाक में घुस जाता है उसको अंदर जाने में रोध करता है प्रिवेंट करता है द माउथ इज एन द रेस्पिरेशन प्रोसेस सेकेंडरी रेस्पिरेशन प्रोसेस इज माउथ बिकॉज एक्चुअली हम लोग का जब सर्दी जुकाम होता है तो हम लोग का नाक बंद हो जाता है तो सेकेंड ऑप्शन क्या है मुख मुंह खुला रख के हम लोग एयर इनटेक करते हैं इट इज द सेकेंडरी एक्सटर्नल ओपनिंग फॉर द रेस्परेटोरी रैट द फैरिंग्स द्रोट इज अस्कुलर फाइनल सेमी फ्रॉम द इंटरनल नोस्ट्रो नाक से शुरू होने के बाद थर्टीन सेमी तक लंबा जो नेशनल पैसेजर दैट इज नोन एज फैरिंग्स जो कहा तक श्रेष्ठ है टू द लैरिंग्स सो फैरिंग्स टू लैरिंग्स this tubular structure muscular funnel like structure is known as pharynx look at here that is cavity. Yes, I am, here baad, nasal cavity yes i'm look air intake correct escape nasal cavity the larynx beach major funnel like structure a tubular muscular part that is known as pharynx next the larynx

फूड और वाटर पार्टिकल्स इन टू द एयर ट्रैक्ट मतलब नॉर्मली जिस ट्रैक्ट के द्वारा हम लोग एयर को अंदर घुसारा है उसमें लैरिंग्स जो पार्ट है ये गार्ड करता है फूड पार्टिकल्स को अंदर आने में नेक्स्ट द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाई अ फ्लैफ ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपी ग्लॉटिस तो ये लैरिंग्स का जो लीड है मतलब ढक्कन है जिसके द्वारा नॉर्मली ये लैरिंग गार्ड करता है दट इज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डेट इज नोन एज एपीग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वालविंग द एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स लैरिंग स्पूलिट अपर डाउनवर्स ग्लॉटिस मतलब ये का जो इनर मसल्स है इट एक्चुअली हेल्प टू अपवर्ड और टूवर्ड्स डिरेक्शन ऑफ ग्लॉटिस में और बंद करने में हेल्प करता है एंड द फूड एंड ड्रिंक ड्रिंकिंग टू दिसोफेगस एंड पे फूड और वाटर पार्टिकल्स को ढकेलने में हेल्प करता है कौन एपिग्लॉटिस दिवर फोल्ड प्ले ए ग्रेटर रोल इन कीपिंग फूड and drink out of the airway the vestibular folds play matlab a larynx can the epiglottis ka jo like structure that is known as vestibular folds is vestibular folds actually plays an important role to keeping food and drink out of the airway next trachea the trachea or windpipe begins below the larynx and runs down the front of the neck into the chest it divides into the right and left main bronchi at the level of fifth thoracic vertebra. So, look at here the figure. After the larynx, this muscular part is known as trachea. It actually differentiated into two branches and it entered into the thoracic cavity. It is a rigid tube. ट इन लेंथ विथ सी सेटिलेज रिंग्स टू की कुलैप्सिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन मतलब ये ट्वेल्व सेमी लॉन्ग ये ट्यूब जो है कार्टिलेज ट्यूब है और उसका सेप कैसा है सीशेप द लैरिंग एंड ट्रैकिअ आर लाइंड विथ एपिथेलियम विच प्रोवाइड अलियरी एस्केलेटर फॉर रिमूवल ऑफ द डेब्रिस्ट्रैक्ट इन टू द म्यूकास नॉर्मली में जो म्यूकस जमा हो जाता है मतलब सर्दी जुकाम होने पे इसको रिलीज करने में हेल्प करता है नेक्स्ट द लंग्स ह्यूमन लाइक अदर लैंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू इन नोज एंड विद द हेल्प ऑफ लंग्स ए पेयर ऑफ लंग्स इज लोकेटेड इन द एयर टाइट थोड़ा सा कैविटी सो ए पेयर ऑफ लंग्स इसको नीचे अंडरलाइन करना

जब रिलीज करता है वो तो रिलैक्स करता है रिलैक्स के टाइम नॉर्मली प्रेशर का जो चेंज होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ लांग्स। द लंग्स आर टू स्पोंजी ऑर्गन्स लाइंग इन द थोरैक्स ऑन द अदर साइड ऑफ हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स सो हार्ट की दो तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में लांग्स है दैट इज अ स्पोंजी organ they extend from the root of the neck to diaphragm and roughly concept with the apex above the base below look at the here look at the figure here that is the lungs one pair of lungs it is situated normally in the chest cavity just above the diaphragm the ribs कोस्टल कार्टिलेज एंड द इंटरकोस्टल मसल लाई इन फ्रंट ऑफ द लांग्स कोस्टल कार्टिलेज एंड द इंटरकोस्टल मसल द प्रोटेक्ट द लंग्स बिहाइंड देम द रिब्स द इंटरकोस्टल मसल एंड द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द थोरा सिक The lungs are divided into lobes. The left lungs has two lobes separated by the oblique fissure, and the right lungs has three lobes. So, this line con line karna. The lungs are divided into lobes. lobes separate lobe mein divided hai. So, left lung has two lobes. Left ka two lobes, and the right lungs are divided into three lobes.